बॉलीवुड की मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म चेहरे के ट्रेलर सामने आने के बाद अमिताभ का साथ मिला है रिया चक्रवर्ती को पूरा। श्वेता बच्चन ने रिया को क्यों किया है सपोर्ट? जया बच्चन ने थाली विवाद को बीते साल क्यों दिया था जन्म? ड्रग मामले में बॉलीवुड इंडस्ट्री को निशाना साधने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन से क्यों भिड़ी थी जया बच्चन? अमिताभ बच्चन ने क्यों रिया के खिलाफ नहीं कहा? और सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच को बढ़ावा देते हुए अमिताभ ने क्यों एक भी शब्द नहीं कहा? इतना ट्रॉल होने के बाद भी इसे लेकर सारे जवाब मिल गए हैं, क्योंकि फिल्म चेहरे में रिया चक्रवर्ती की जो कुछ सेकंड की झलक नजर आई है उससे मालूम चलता है कि रिया को इस फिल्म से बाहर नहीं किया गया। जी हाँ, लाख विवाद हुए। सुशांत केस में मुख्य आरोपी जरूर बनी रिया चक्रवर्ती। इसके बावजूद रिया चक्रवर्ती के लिए जो काम था वो काम करने से अमिताभ बच्चन ने मना नहीं किया। अमिताभ बच्चन के साथ रिया चक्रवर्ती ने जो फिल्म किए हैं उससे रिया चक्रवर्ती के फैंस और रिया चक्रवर्ती के फैमिली मेंबर्स जो हैं खुश तो होंगे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को अभी भी बॉलीवुड का सहारा मिला है। अब चेहरे फिल्म को देखने के बाद, चेहरे फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद, चेहरे फिल्म को देखने के बाद पता चलेगा आप सभी को कैसे रिया चक्रवर्ती के लिए इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में जो हैं उनके परिवार वालों के अलावा इस वक्त उनके बच्चन परिवार वालों में से अमिताभ भी उनके साथ काम कर कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में खड़े हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।